लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को पाटन विधानसभा में जनपद पंचायत भवन के सामने एवं बिरू ग्रामीण विधानसभा में सेलिब्रेशन पैलेस रिसाली में किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं विधायक शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विजय बघेल ने पाटन विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा घेर दिया कि उन्हें अपना क्षेत्र छोड़कर राजनांदगांव भागना पड़ा। धीरे धीरे टोटा घर उठा थे और चुनाव घर उठा थे, ऊपर तक गर्मी पड़ा थे और चुनावी गर्मी घर है और दो दिन तक पानी गिरती तार थोड़ा बने लगे ऐसा पहले पर ऐसे ऐसे कर रहे थे भाई 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 भारत माता की छत्तीसगढ़ माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत ही जोशीला वातावरण और बड़ा शक्ति और सामर्थ्य के साथ पूरा ईमानदारी के साथ आप सब फिर से इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाए के लिए आप सब गली गली मोहल्ला मोहल्ला संघर्ष कर रहे हो और जिन पिछला विधानसभा हो इस दो में आपके संघर्ष दिखे है और आप सबसे बया गुजार दिखे है और परिणाम भी दिखे है ऐसे सबो यहाँ के हमारे पाटन क्षेत्र के महतारी गरीबी दीदी मल्ला श्यार मल्ला प्रणाम युवा शासक के साथ ऐसे लेकर मतलब बहुत बहुत प्यार। आज हमारे बीच में माननीय अजीत जोगी जी तेला यहाँ पटकनी रहे वहां लोकसभा में ऐसे भैया चंदूलाल साहू जी हमारे प्रभारी के रूप में उपस्थित है और जेकर बहुत गुत्तुर गुत्तुर बात सुने हो हसी मजाक से भरपूर मयाड़ू और हमर मया अमोर मन के मित भारत माँ के रतन बेटा पाटन क्षेत्र के रतन बेटा बढ़िया मैं छत्तीसगढ़िया दुर्ग लोकसभा के सेवक भैया बड़का मैया सबों के माया पाके भैया अपन सेवा ला करता हूँ जी सब जग के दुख सुख में ऐसा हमारे मयारो के पाटन क्षेत्र जिन हमेशा से क्षेत्र के नाम है और ऐसा कहने वाला कोई हो सकता है विपक्षी से प्रेम आओ मेरे को पत्थर ही मारो और हम का ईट में मार कर बाबू तो पसरम मारू तो कुछ ये हमारे सोच है लेकिन मोदी जी के क्या सोच है हर चीज में सकारात्मक सोच हर चीज में नव निर्माण के बाद हर चीज में नव भारत का निर्माण ऐसा महान व्यक्ति आज हमें प्रधानमंत्री है ओला फिर से प्रधानमंत्री बनाना है लेकिन हमारे कर्तव्य है माननीय मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने और आपकी सेवा में 5 साल हमेशा आपके बीच में रहे अत्ता विकराल स्थिति के बीच में 2 साल के कोरोना काल आदरणीय अरुण साहू जी बैठे ही हैं भैया चंदूलाल साहू जी बैठे वो तो पूर्व में सांसद रहे हमें एक साथ सांसद रहे चारों तरह महाकाल में चली और ये कार्यकाल हमारे 17वीं कौन खोजी अब देने पाए के मैं पाटन के जम्मो कार्यकर्ता ला प्रणाम करता हूं आप सबके अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के ये कार्यकर्ता सम्मेलन में
हम सबके बीच में उपस्थित हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लगातार हमन 4.5 साल एक साथ संसद में बिताए हैं, एक साथ खावन, एक साथ बैठन, एक साथ बोलन, एक साथ मिलके काम करे और काम करे के अच्छा आनंद आई। मैं देखा 24 घंटा क्षेत्र के जनता के काम, एक एक कार्यकर्ता के चिंता, एक एक जनता के चिंता और वैसे दमदार और मजबूत नेता यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी है, आपके घर के आपके परिवार के सदस्य आदरणीय विजय बघेल जी हमारे बीच मंच में विराजमान। अभी जेकर गुरतुर बानी सुने हमार आवाज तो एकदम करकर से जेकर सुवासन मीठ बोली सुने हमें